नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा के स्थानीय नीमताल चौराहे के गांधी चौक पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे, जिन पर किसानों की हत्या का केस दर्ज हो चुका है, दोनों का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान किसानों को कारों से रौंदने के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए थे। पार्टी के नेता विवेक ठाकुर के मुताबिक उन्होंने पहले पुतला दहन करने से पूर्व दोनों पुतलों को कार से रौंदा और यह एहसास कराने की कोशिश की कि आम जनता के साथ यही सुलूक करने पर कैसी तकलीफ होती है, और तत्पश्चात दोनों का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि ऐसी घटनाओं के पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो किसानों के हत्यारे हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सब साथ हैं। आप ये देखिए कि किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी और उनकी हत्याएं कर दी, जिसको लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री के बेटे आज हमने यहाँ गाड़ी से उनके पुतले के ऊपर ये चढ़ाकर ये दर्शाया है कि जब आम जनता के ऊपर आप लोग गाड़ी चढ़ा रहे हो, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हो, तो कितना दर्द होता है, और वो उस दुनिया में नहीं रहे अब। तो हम कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ है, आम जनता के साथ है, उसका हम विरोध प्रदर्शन करने आज सब लोग कांग्रेस वरिष्ठ साथियों के साथ यहाँ मौजूद हुए हैं इकट्ठे।